बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी बहनें? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बिल्कुल ही अनोखी और सबसे यूनिक टिप, ऐसी टिप जिससे आपके हज़ारों रुपये बचने वाले हैं और आप अमीर होने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो टिप है ये अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई है, फ़र्स्ट टाइम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हमारे जितने भी पैन बहुत ख़राब हो जाते हैं, ग्रीसी हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, तो उनको आसानी से आप किस तरीके से नया कर सकती हैं, जिससे आपका जो सा पैन है, सॉस पैन है, फ्राई पैन है, वह बिल्कुल न्यू हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोका कोला, हाफ कप आपने कोका कोला लेनी है और ये बहुत ज़बरदस्त है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। यू कैन से कि हमारे बेसन वगैरह के लिए भी ज़बरदस्त है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, ये बहुत अच्छे से साफ़ करता है, उनको नीट एंड क्लीन कर देता है। तो इसमें भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने हाफ कप कोका कोला ली, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैक्स लेमन मैक्स, जो लिक्विड होता है, लिक्विड मैक्स आपने डालना है। वो आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मेड इन पाकिस्तान वाला भी ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। मैंने वही लिया है, 2 आपने टेबलस्पून वो ले डालने हैं इस पर और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये आपने ख्याल रखना है कि जितना ज़्यादा अच्छा आप मिक्स करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिएगा, आपका जो भी पैन वगैरह है सब चमक जाएंगे और आपको न्यू ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे इसके रिजल्ट्स देखकर। अब हम इसमें 3rd इंग्रेडिएंट डालते हैं और वो है 1 टेबलस्पून सॉल्ट। इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक का डालेंगे, 1 से 1.5, ठीक है, नहीं बल्कि 2 डालने ज़्यादा बेहतर, इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएंगे। इसको अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, ठीक है जी, इतना मिक्स करना है कि वो इस पर डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए। तो जितना भी टाइम इसको लगेगा डिज़ोल्व होने में, तब तक मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये टिप्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आप इसको लाइक और शेयर कर देंगी तो हमारी बहुत हौसला अफज़ाई होगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती होंगी और ये आज की टिप भी आपके लिए है स्पेशल। इसमें हमने 2 टेबलस्पून डाला है सॉल्ट और उसके बाद हमने डाला है बेकिंग सोडा, ठीक है जी। तो ये हमने डाल दिए हैं 4 इसमें इंग्रेडिएंट्स और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक लेंगे बॉटल और इस बॉटल में हमने सुराख कर लिए हुए हैं, ठीक है, हमने इस बॉटल के अंदर इसको डालना है, ठीक है जी। देखें, इस तरीके की बॉटल लें और गर्म करके आप कोई भी कील वगैरह को गर्म करके आप उसमें सुराख कर सकती हैं। ये हमने इसमें सुराख किया और सुराख करके हमने अभी इस लिक्विड को, हलशुदा लिक्विड को इसमें डाल देना है और अपने पैंस को चमकाना है जी। ये देखिए, ये अच्छे से इसमें हल हो चुका है, इसको अच्छे से आपने देख चेक कर लेना है। इसमें सॉल्ट और बेकिंग सोडा जब हल हो जाएगा अच्छी तरह, फिर आपने उस बॉटल में इसको डालना होगा जी। इसमें डिज़ोल्व हो चुका है तो अब हम इसको इसमें बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे और इस तरीके से इसको हम इसमें डाल देंगे। आपने ये डालते वक्त ध्यान रखना है कि ये जो है हलशुदा हो और इसके अंदर डिज़ोल्व हुआ हुआ हो तमाम मटीरियल, और इसमें डालने के बाद चलिए जी, ये हमारा सलूशन तैयार हो चुका है और अब हम इसको टाइट कर देंगे। और अब हम लेंगे पैन और पैन को हम डालेंगे शॉपर में, इसमें शॉपिंग बैग में इसमें हम डालेंगे इसको और इसमें इस तरीके से ये देखिए कितना पीछे से गंदा हुआ हुआ है। ये यहाँ पर हम इसके ऊपर ये लिक्विड जो है अच्छे से हिलाकर मिक्स कर हमने इसके ऊपर डालना है, लगाना है इस तरीके से, पूरा हमने इसके ऊपर ऐसे फैला देना है, ठीक है जी। इसको फैलाने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से डाल देना है इस पर और इसको आपने शॉपर के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से ला के डालकर और इसमें शॉपर को सीधा करेंगे पैन को और इस तरीके से उसमें डिप हो जाए, इसका जो भी ग्रीजी जो हिस्सा है उसमें डिप हो जाए, तो उसको आपने ऐसे शॉपर को बंद कर देना। लेकिन अगर आपका पैन अंदर से भी गंदा है तो आप अंदर में अंदर भी डाल सकते हैं पैन के, ठीक है। देखिए, इस तरीके से आपने इसे नॉट लगानी है, ठीक है। ये देखिए,
जी इसे पूरा एक घंटा आपने देना है, एक घंटे तक आपने इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, एक घंटा आपने इसको डिप रखना है और इसके एक घंटे के बाद आपने इसको खोलना है, तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे इसके रिजल्ट्स। ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा और अगर आपने टाइमिंग को आगे पीछे किया तो आई एम नॉट श्योर कि इसके रिज़ल्ट वैसे ही आए, लेकिन मुझे कुछ जल्दी थी इस वजह से मैंने पहले ही ये इसको निकाल लिया और इसको रब कर किया है मैंने, तो आपके सामने इसके रिज़ल्ट हैं। तो अगर आप पूरा एक घंटा देंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक घंटे बाद इसको आपने ऐसे खोलना है और इसको अच्छे से इसको रब करना है। मैंने भी जब ये किया तो मैंने तो 15-20 मिनट करने के बाद मैंने इसको किया है तो मैं हैरान रह गई हूँ कि इतनी शाइनिंग और इतना ज़बरदस्त ये बिल्कुल न्यू जैसे हो गया हो। तो थोड़े बहुत निशान थे और एक दो दफ़ा अगर आप करेंगे तो ये और ज़बरदस्त न्यू हो जाएगा, जो आपका जला हुआ है, ग्रीसी है, डर्टी है, सब आपका क्लियर हो जाएगा और साफ़ सुथरा हो जाएगा और इतना चमकदार शाइनिंग के बस आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से करेंगे और फिर देखिएगा इसको मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देखिए चमत्कार, जैसा कि मैंने आपसे कहा था और जैसा मैंने आपको बताया था कि देखिएगा इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, ये आपके सामने हैं। ये लाइव रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा पैन कितना गंदा था लेकिन अब आपके सामने है कितना शाइनिंग और कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन यही अभी मैंने इसको उतना टाइम नहीं दिया जितना कि देना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी टिप पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल सबसिस व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट तक की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।